अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज हमारी उर्दू की कहानी का जो उनवान है उसका नाम है दादी ज़मानी। ये एक सच्ची कहानी है और मुसन्नफ़ हमें इस कहानी में अपनी बचपन की यादों के बारे में बता रहा है कि उसका बचपन कितना ही मासूम और सादा था और उस ज़माने के लोग भी कितने सादा लूह और मासूम थे। चले आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। उनका असल नाम तो ज़मानी बेगम था, मगर वो मोहल्ले भर के बच्चों की दादी ज़मानी थी। दादी ज़माने की उम्र किसी भी तरह 90 वर्ष से कम ना थी। वो नबीना भी थी मगर बीमार हरगिज़ ना थी, बल्कि जिंदा दिली की जीती जागती मिसाल थी। उनका घर गली के नुक्कड़ पर वाक़िया था, गली की नुक्कड़ पर कि जहाँ पे गली टर्न होती हो मुड़ती हो, और मोहल्ले भर के बच्चों की बेहतरीन अमाजगाह था, मतलब बेहतरीन ठिकाना था। सब बच्चे उसी घर में आकर खेला करते थे। बात दरअसल ये थी कि उनका घर वसी रकबे पर बना हुआ था, जिनके बीचों बीच एक कमरा और आगे एक छोटा सा दलान था, जिनके बीचों बीच दरमियान में ही एक कमरा और आगे छोटा सा दलान बरामदा था, जिस पर खजूरों के पत्तों की छत पड़ी हुई थी। दादी ज़मानी का सारा दिन इसी दलान पर एक चारपाई पर गुजरता और घर का सबसे बड़ा सहन बच्चों के खेल का मैदान बन जाता। बच्चे इस खुले सहन का फ़ायदा उठाकर खूब मज़े से मुख्तलिफ खेल खेलते। दादी ज़मानी घर में बिल्कुल तन्हा होती, इसलिए बच्चों के आ जाने से उनके घर में खूब चहल पहल रौनक हो जाती और इनका दिल भी लग जाता। दादी ज़मानी की शोहर, जिन्हें हम सब दादा वहीद कहते थे, कहीं राज मिस्त्री का काम करते थे। वो नहायत चाको चौबंद थे, उम्र में भी दादी से कम अज़ कम 10 वर्ष छोटे होंगे। अपनी नबीना बीबी का बेहद ख्याल रखते थे, सुबह सुबह इन्हें नाश्ता कराते, फिर खाने की तैयारी में उनकी मदद करते और इसके बाद अपने काम पर चले जाते। इनकी गैर मौजूदगी में मोहल्ले के सब बच्चे दादी का ख्याल रखते और इनके छोटे छोटे काम कर देते। शाम और रात के वक्त दादी सारे बच्चे को बहुत मज़े मज़े की कहानियाँ भी सुनाती थी, मगर इसके लिए ज़रूरी था कि सब बच्चे कहानी को मुकम्मल तवज्जो और खामोशी से सुने। जो ही कोई बच्चा कहानी के दरमियान बोलता, सजार के तौर पर दादी हाथ से झलने वाला पंखा खींच कर इस पर दे मारती और उनका निशाना नबीना होने के बावजूद ऐसा पक्का था कि मिजाल है वो पंखा इस बच्चे को ना लगा हो जो कहानी के बीच में बोला हो। दादी की बच्चों से भी ये फरमाइश होती कि बच्चे भी इन्हें किताबों से कहानियाँ पढ़कर सुनाएं, और जो कहानी इन्हें ज़्यादा पसंद आ जाती वो इसे बार बार सुनती, यहाँ तक कि हम आजिज़ आ जाते तंग आ जाते। कभी वो किसी बच्चे से नाते सुनती तो कभी किसी से मिली नगमे। और मोहल्ले भर की तमाम शादियाँ दादी के गीतों के बगैर अधूरी होती। वो अमीर खुसरू की शादी ब्याह के गीत भी बहुत रचाओ से गाती थी, रचाओ से शौक से। मोहल्ले में जब भी कभी महफिल मिलाद मुनक्कद होती, दादी इसमें ज़रूर नात खवानी करती। दादी ज़मानी हम सब बच्चों की दोस्त थी, कभी कभार इस दोस्ती में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता और कुछ दिनों के लिए सफारती ताल्लुकात भी मुनक़ता हो जाते। सफारती ताल्लुकात के हर तरह का राबता और हर तरह की बेतकल्फी उनसे ख़त्म हो जाते मगर ख़त्म ना होते। एक बार दादी ने मुझसे मिली नगमा सुनना चाहा, जो मैंने इन्हें सुनाकर तंग आ गया था। मैंने इनकार कर दिया, बस मेरा इनकार करना ही था कि उन्होंने मुझे अपनी राजधानी से निकलने का हुक्म दे दिया। राजधानी अपनी दारुलहुकूमत के अपने घर से निकलने का कह दिया। बज़ाहर तो मैं उनसे खफा था और उनके घर नहीं जा रहा था, मगर दर हकीकत ऐसा हरगिज़ ना था। मैं रोज़ाना चुपके बगैर आवाज़ किए उनके घर जाता और उन्हें देखकर वापस आ जाता। दादी की एक आदत यह भी थी कि वो तन्हाई में खुद से बाआवाज़ बुलंद बातें किया करती थी। इन्हीं दिनों बर्तन मांजते हुए वो बाआवाज़ बुलंद कह रही थी, 3 दिन हो गए वो मेरे बारे में। वो मुसन्निफ़ कह रहा है कि वो मेरे बारे में ही सोच कर कह रही थी कि 3 दिन हो गए हैं वो नहीं आया, अल्लाह खैर करे, सचमुच नाराज़ हो गया है। फिर अगले दिन वो दीवारें पकड़ पकड़ कर हमारे घर आईं और अम्मी से मेरी शिकायत की। लो बताओ, मैंने ज़रा सा क्या डांटा के नाक लगा ली और अब तक रूठा बैठा है। मैं रोज़ाना याद करती हूँ अम्मी ने मुझे डांटा और फिर हमारे दरमियान सुलह करा दी।